प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पिछले 7 सालों में केंद्र सरकार ने देश के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार और बदलाव किए हैं और उसकी कोशिश गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधाएं ब्लॉक स्तर पर पहुंचाने की रही है। आम बजट 2022 में स्वास्थ्य मंत्री क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से आयोजित वेबिनार के उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश के हर व्यक्ति तक किफायती इलाज पहुंचाने का है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 4 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। 5वें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 692 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने भाजपा और मीडिया सेंटर में संवाददाताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब तक 4 चरणों के चुनाव में भाजपा के पक्ष में % मतदान हुआ है। पिछले 5 वर्षों में हुए विकास कार्यों के सहारे प्रदेश में बीजेपी दोबारा आ रही है। इधर अहमदाबाद स्थित पश्चिमी रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन कार्यालय में तैनात चीफ प्रोजेक्ट निदेशक ए.के. चौधरी को 15 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथों सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने विश्व शांति को मुश्किल में डाल दिया है। इस बीच दुनिया के एकमात्र देश भारत ने एक बार फिर से वसुधैव कुटुंबकम के साथ धरती को अपना परिवार मानते हुए न सिर्फ भारतीय छात्रों के लिए बल्कि विश्व शांति के लिए यज्ञ और अनुष्ठान किया। धर्म की नगरी काशी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा महामृत्युंजय मंदिर में यज्ञ और अनुष्ठान का आयोजन किया गया। झारखंड के धनबाद में पेयजल संकट आने की समस्या सामने आई है। इस बीच इस बात को लेकर बैठक हुई है जिसमें उन लोगों को आश्वस्त किया गया है कि गंभीर जल संकट वाले क्षेत्रों को इस समस्या से निकालने की तैयारी कर ली गई है। डीसी के साथ इस संदर्भ में बैठक की गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मुजफ्फरपुर में नाला निर्माण के लिए तिलक मैदान रोड को वन वे कर दिया गया है। छोटी सरैयागंज टावर नवयुवक ट्रस्ट समिति से लेकर तिलक मैदान रोड मोती झील आदर्श नगर थाना तक वन वे किया गया है। जिस एजेंसी को काम करने की जिम्मेवारी स्मार्ट सिटी कंपनी ने सौंपी है उसको 15 दिनों के भीतर नाला निर्माण करने का निर्देश दिया गया है। तेलंगाना के नलगोंडा से एक बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। बताया यह जा रहा है कि शनिवार को एक निजी विमान अकादमी का विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार एक महिला प्रशिक्षु पायलट की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी आज दी। खगड़िया में आज बड़ा हादसा टल गया। बखरी में रेल लाइन के बगल में 2 जिंदा बम बरामद किया गया। पानी में जलकुंभी के अंदर यह बम पाए गए। बम की सूचना मिलने के बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। मुजफ्फरपुर में प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री की हाई कंप्रेसर मशीन ब्लास्ट हो गई। मनियारी थाना क्षेत्र की यह घटना है। गिद्धा बिशनपुर का यह मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के पास हुई हाईवा से बस की टक्कर में सुपौल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुपौल जिला के परमानंदपुर पंचायत के वार्ड संख्या 12 के निवासी हरिलाल पौदार इस हादसे में मर गए। सुपौल जिला क्षेत्र में ड्रोन कैमरे के माध्यम से शराबियों की खोज जारी है। इस बीच खबर मिली है कि डपरखा पंचायत में ड्रोन कैमरे से शराब माफियाओं पर नजर रखने की कार्रवाई की गई है। एसडीएम ने इस मामले में बताया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने के लिए यह कार्रवाई शुरू की गई है।